गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम देखेंगे द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इससे पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, उसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो एन गणतंत्र के लिए, फिर हमने द्रव्यमान केंद्र का वेग, उसको आप किस प्रकार लिख सकते हो एन पार्टिकल सिस्टम के लिए, वो हमने अच्छे से सीख लिया था। और होपफुली आपने उन दोनों लेक्चर को अच्छे सुन लिया था और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। ये आपका एक रेगुलर वर्क है। मैं छोटे छोटे वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ, पुनः दोहराना चाहता हूँ, ताकि आप पढ़ते वक्त बोरियत महसूस ना करें और फटाफट 15-20 मिनट का वीडियो होगा था, फटाफट एकदम बैठे और 20-25 मिनट उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे क्या होगा, आपके टॉपिक कवर होते चलेंगे और जैसे जैसे टॉपिक कवर होते चलेंगे आपका कॉन्फिडेंस बनता रहेगा। ठीक है, तो ये एक सामान्य सी बात होती है जो मैं लगभग हर लेक्चर में कह ही देता हूँ, ठीक है ना, ताकि जो बच्चा, अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी कोई लेक्चर सुनता है, कभी कोई लेक्चर सुनता है। हालांकि मैं कहता हूँ आप सीक्वेंस से सुनिए, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं ये कह देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, तो चलो, तो हमने पिछले लेक्चर में जो द्रव्यमान केंद्र का वेग देखा था, तो वहां पर हम लोगों ने जो द्रव्यमान केंद्र का वेग निकाला था VCM, आपका वो लास्ट एक्सप्रेशन तो आपका क्या था, वो लास्ट तो था आपका कैपिटल P अपॉन M। ठीक है, इस प्रकार का था। और यहां से हमने कॉन्सिक्वेंस भी निकाला था, क्या निकाला था कि यदि किसी भी निकाय पर आरोपित बाह्य बल या आरोपित बल जो है वो शून्य हो, ठीक है ना, एफ अगर जीरो हो, तब आपका डीपी अपॉन डीटी भी क्या होगा, जीरो। और डीपी अपॉन डीटी जीरो है तो पी कांस्टेंट, और पी कांस्टेंट है तो वीसीएम कांस्टेंट। तो हमने एक इंपॉर्टेंट कंडीशन फाइंड की थी कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस स्थिति में उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गतिशील होता है, या द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होता है। ये हमने लास्ट में कंडीशन फाइंड की थी, वेरी इंपॉर्टेंट थी, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कंडीशन याद रखिए, एफ इजिकल टू जीरो होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे त्वरण वाले टॉपिक पर। तो जिस प्रकार से आपने वेग का मान निकालने के लिए क्या किया था, जो आपके पोजिशन की इक्वेशन थी, ठीक है ना, आर सी एम इजिकल टू आर माइनस आर सी आई या आर आई डैश, तो उसका आपने क्या किया था, एक बार टी के सापेक्ष अवकलन किया था और वी सी एम को प्राप्त किया था। ठीक उसी प्रकार से जो आपकी वेग की इक्वेशन है, उसका आप एक बार और टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। तो चलो हम लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। आप लिखिए, हम जानते हैं कि एन कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र के वेग को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे आप, वो जो इक्वेशन आपने फाइंड की थी, वी सी एम इजिकल टू वन अपॉन एम समेशन आई इजिकल टू वन टू एन एम आई और वी आई। ये आपको पता है, जो सबसे पहले इक्वेशन आपने यही निकाली थी, जहां पर आपने क्या कहा था कि वी सी एम तो द्रव्यमान केंद्र का वेग है, वी आई क्या था, स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष आई वेग कण का वेग। आप यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर करते चले, ठीक है ना। वी आई क्या है, स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष आई वेग कण का वेग। ओके, अब त्वरण निकालना है तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, समीकरण एक का क्या कर दोगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। तो मैं लिख देता हूं, समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए चलो, डी वी सी एम अपॉन डी टी, ये वन अपॉन एम तो बाहर रहेगा, और समीशन आई इजिकल टू वन टू एन, मैं सीधा कर रहा हूं, डी बाई डी टी आप बाहर रखोगे तो डी एम आई बाई डी टी वी आई कॉन्स्टेंट, और डी वी आई बाई डी टी अपॉन एम आई कॉन्स्टेंट, तो डी एम आई अपॉन डी टी हमेशा जीरो होगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना, इसको मैं सीधा ऐसा ही लिख रहा हूं, डी वी आई अपॉन डी टी। आप समझ चुके हो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए सी एम, और ये वन अपॉन एम, ये समेशन आई इजिकल टू वन अपॉन वन टू एन एम आई, और ये हो जाएगा ए आई।
इक्वेशन नंबर दो, जहां एआई क्या है, स्त्री निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयवेकण का त्वरण, यह भी लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जहां एआई स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयवेकण का त्वरण, ठीक है। तो चलो, तो ये आपके एक्सप्रेशन आ गया, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और एक्सपांड करते हैं और कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालने का प्रयास करते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन से और क्या सीख सकते हैं। जैसे आपके ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही था, जो आपके पिछला टॉपिक था द्रव्यमान केंद्र का वेग, तो बिल्कुल यहां तक निकाल के आप छोड़ दीजिए। लेकिन हमने आगे क्या किया, इसको और एक्सपांड किया और कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस को सीखा, कुछ ऐसी चीजों को सीखा जो आगे आपके समझने के लिए भी काम आएगी और कुछ उसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी होगा। तो देखिए, किस प्रकार से वह हमने कहा था जो MIVI है वो आपका क्या था, आयवेकण का संवेग, तो ठीक उसी प्रकार से MIAI क्या हो जाएगा, M into A क्या होता है आपका, जो आपका MA होता है वो क्या होता है, F होता है, बल का मान होता है, फोर्स। तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आप देखिए, ACM इक्वल टू 1 अपॉन M समेशन I इक्वल टू 1 टू N FI, इक्वेशन नंबर 3, जहां FI क्या हो जाएगा, आईवे कण पर कार्यरत कुल बल। यह सब चीज को आप बिल्कुल सिस्टमेटिक नोट करना, FI क्या है, आईवे कण पर कार्यरत कुल बल, ठीक है, आईवे कण की बात करो, कुल बल। अब ये मैंने कुल बल क्यों लिखा, अभी मैं आपको समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स के अंदर छुपी हुई है जिसको आपको सीखना है तो बात बिल्कुल बेसिक, अभी थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल FI लिखूंगा और ये कुल बल ही लिखूंगा, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज छिपी हुई है, उसको आपको सीखना है, उसको हम देखो सीखते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप आराम से उतार लीजिएगा एकदम क्लियर, और ये सब चीजों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से नोट कीजिएगा। चलो, अब देखिए, आपको पता है कि किसी भी कण पर जो बल होता है, कुल बल, वो दो भागों से मिलकर के बना होता है, एक तो उस पर लगने वाला बाह्य बल और दूसरा आंतरिक बल। अब आप सोचोगे आंतरिक बल क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि जो आपका FI है कुल, ये किसके बराबर होगा, FI बाह्य प्लस FI आंतरिक, ठीक है। अब बाह्य को तो आप आराम से समझ सकते हो, बाह्य का मतलब तो क्या है, जो बाहर से बल लग रहा है वही बाह्य है। अभी आंतरिक क्या है, इसको आप समझिए। आपको पता है कोई भी जो सिस्टम है वो अनेक कणों से मिलकर के बना है, जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, ये खूब सारे कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान M1 M2 M3 इस प्रकार से MN, ठीक है ना, इन सभी प्रकार के द्रव्यमान कणों से मिलकर के बना है। तो आपको पता है ये द्रव्यमान कण जो होते हैं वो आपस में भी क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, जिसको आप शब्द काम में लेते हो परस्पर अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन, ठीक है ना, इसको आप समझ रहे हो मेरी बात को। जिस प्रकार से आवेश है, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 इस प्रकार के खूब सारे आवेश है, तो जब एक इस जगह पर स्थित होंगे तो उनमें क्या होगा, उनमें एक प्रकार का म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। अगर दो आवेश Q1 Q2 है तो वो आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअल इंटरेक्शन करेंगे, अर्थात एक दूसरे पर बल लगाएंगे, पहला दूसरे पर लगाएगा, दूसरा पहले पर लगाएगा। तो आवेश के लिए तो वो क्या होता है, Q1 Q2 / R² होता है। ठीक उसी प्रकार से जब द्रव्यमान कण होंगे तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे, और उस बल का मान क्या होता है, M1 M2 / R² के समानुपाती होता है। तो मेरी बात समझा आप, आंतरिक का मतलब क्या होता है कि कण जो होते हैं वो आपस में भी अन्योन्य क्रिया करते हैं। जैसे पहला है मान लो M1 द्रव्यमान है तो M2 भी उस पर बल लगाएगा, M1 M2 पर लगाएगा, M2 M1 पर लगाएगा, M1 M3 पर लगाएगा, M3 M1 पर लगाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो हर कण है वो सभी कणों पर बल लगाता है और सभी कण हर कण पर बल लगाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो ये आंतरिक का मतलब ये है कि आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। मैं अभी इसको लिख देता हूं, बस आपको इस चीज को समझना है कि आंतरिक आया कहां से है। FI आंतरिक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कणों की परस्पर अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन। अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या होता है, एक तरह से बल होता है, द्रव्यमान कणों की परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण लगने वाला बल, ठीक है। तो
आई आंतरिक का मतलब क्या हो जाएगा, जो आई वा कण है उस पर अन्य जितने भी कण है वो सभी क्या करेंगे, बल लगाएंगे। ठीक, तो ये हो गया एफ आई आंतरिक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एफ आई आंतरिक ही है। अब आगे एक चीज और सीखते हैं, देखिए अब आप, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। चलो, अब आपको पता है जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी विपरीत दिशा में। अर्थात अगर पहला कण दूसरे पर बल लगा रहा है तो दूसरा कण भी क्या करेगा, पहले पर बल लगाएगा, लेकिन दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो सपोज कीजिए मैं एक बार 1-2 से बात करता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई दो कण है, एक एम वन है एक एम टू है, तो ये एम वन एम टू पर भी बल लगाएगा, एम टू एम वन पर भी लगाएगा, तो एक तो हो जाएगा एफ वन टू और एक हो जाएगा एफ टू वन, और दोनों बराबर होंगे लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। ये क्यों, ये किस नियम से आया, ये आया न्यूटन की गति के तृतीय नियम से। ठीक है, यानी F12 माइनस F21। तो अगर मैं इसको आई जे के हिसाब से एकदम जनरलाइज करना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई। अभी आई जे का मतलब क्या है, अभी मैंने 1-2 लिया, आपका आई कहां से कहां चल रहा है, आई चल रहा है 1-2n और j भी चलेगा 1-2n, लेकिन i नॉट इक्वल टू j। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं समझाता हूं आपको। हम क्या लेते हैं, तीन द्रव्यमान कण लेते हैं, एक मैंने ले लिया m1, एक m2 और एक m3। जैसे n पार्टिकल सिस्टम होता है वैसे 3 पार्टिकल सिस्टम है, जो इसके लिए लागू होगा वो n पार्टिकल के भी लागू हो जाएगा। तो इसमें देखो आंतरिक बल क्या क्या हो सकते हैं, आंतरिक बल क्या होगा कि एक तो पहले पर दूसरा, पहले पर तीसरा, ठीक उसी प्रकार से दूसरे पर पहला, तीसरे पर पहला, ठीक उसी प्रकार से दूसरे पर तीसरा और तीसरे पर दूसरा। ये 6 प्रकार के कॉम्बिनेशन होंगे कि नहीं होंगे, यानी पहले का दूसरे तीसरे के साथ, दूसरे का पहले तीसरे के साथ, तीसरे का दूसरे पहले के साथ। तो ये देखो फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट थ्री थ्री वन, टू थ्री थ्री टू। तो ये 6 प्रकार के कॉम्बिनेशन है। और आपको पता है कि ये जो होता है 1-2 वो माइनस एफ 2-1 होता है, उसी प्रकार से एफ 1-3 जो होगा वो माइनस एफ 3-1 होगा, उसी प्रकार से एफ 3-2 है वो माइनस एफ 2-3 होगा, न्यूटन गति के तृतीय नियम से। तो जब आप इनको ऐड करोगे, जो टोटल आंतरिक बल निकालोगे इस पूरे सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा, आपस में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एफ आई आंतरिक होगा समेशन पूरा, वो तो अपने आप जीरो ही आएगा। मैंने 3 पार्टिकल सिस्टम से बता दिया, अब एन पार्टिकल भी लोगे तब भी आप देखोगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो चीज मैं लिखी इसका मतलब क्या है, i और j जैसे 1 और 2, i इक्वल टू 1 होगा, 1 से लेकर n तक चलेगा, j भी 1 से लेकर n तक चलेगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। बराबर हो जाएंगे तब तो क्या होगा, पहले का पहले के ऊपर उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है ना, जैसे ये देखो 1-2, तो i भी 1 है, j 2 ले लिया। जब i 1 ले रहे हो तब j का मान क्या होगा, 2-3-4 इस प्रकार से लेना है। जब i 2 लोगे तो j का मान 1-3-5 लेना है, यानी जो मान आप i का ले रहे हो फिर वो मान j का नहीं लेना है, क्योंकि वही मान अगर j का ले लोगे तो फिर F11, F22, F33 इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है। ठीक है ना, तो अगर मैं, आप इस चीज को समझ गए, अब मैं इसको एक बार नोट कर देता हूं पूरा, ताकि आपको पता चल जाएगा, मैं लिख दूंगा पूरा। ठीक है, तो चलो आप एक लाइन लिख सकते हो यहां पर, न्यूटन की गति के तृतीय नियम से आप क्या लिख सकते हो, एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जी आई। अभी आप ये जानते हो इस चीज को, न्यूटन की गति के तृतीय नियम से आप क्या लिख सकते हो, एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जी आई। इसलिए मैं एक चीज लिख रहा हूं, देखो एफ आई जे समेशन आई कॉमा जे, ये चलेंगे 1-2n, लेकिन आई नॉट इक्वल टू जे, इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। इस चीज को आप समझे, आई और जे दोनों चलेंगे 1 से n तक और आई जे के बराबर नहीं होना चाहिए, और तब आप इसका समेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने आपको 3 पार्टिकल से बताया था, आप समझ सकते हो उस चीज से। ठीक है ना, आप एग्जांपल लेके देख लीजिए, आई और जे का मान क्या लीजिए, 1-2-3 लिखिए, और इसको समेशन ओपन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। जीरो क्यों मिलेगा, क्योंकि पहले का दूसरे के ऊपर, दूसरे का पहले के ऊपर, पहले का तीसरे के ऊपर, तीसरे का पहले के ऊपर, दूसरे का तीसरे पर और तीसरे का दूसरे पर, ये सारे के सारे क्या होंगे, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत, तो सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे आपके क्या निष्कर्ष निकल गया, इससे यह निष्कर्ष निकल गया कि जो आपका इस तरह से कह सकते हो, समेशन एफ आई आंतरिक जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है। तो जो आप एफ आई कुल निकाल रहे थे, तो
वो केवल बाह्य ही रहेगा, आंतरिक का मान वैसे भी जीरो होगा, लेकिन आंतरिक एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, सीधा एफआई को कुल को बाह्य सीधा कह देते हैं, जो अंदर ये पूरी जो फिजिक्स छिपी हुई है उसको हम क्या करते हैं कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, हमें इस चीज को सीखना है, आंतरिक है लेकिन उसका मान जीरो है। क्यों जीरो है, इस प्रकार से हमने समझ लिया न्यूटन गति के तृतीय नियम से। तो आप इस चीज को यहां तक नोट कर लीजिए। अब आगे हम क्या नोट करेंगे, तो ये जो इक्वेशन थी आपकी कौन सी, जो आपने निकाली थी ए सी एम इजिकल टू वन अपॉन एम समेशन आई इजिकल टू वन टू एन एफ आई, ठीक है ना। ये आपका एफ आई कुल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो समेशन आई इजिकल टू वन टू एन, सब तरफ समेशन ले लो, तो एफ आई कुल इजिकल टू समेशन आई इजिकल टू वन टू एन एफ आई बाय समेशन आई इजिकल टू वन टू एन एफ आई आंतरिक, ये की बात, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ आई आंतरिक जीरो है, यानी इसका मान अगर आप निकाल रहे हो कुल का तो ये केवल यही बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए सी एम इजिकल टू वन अपॉन एम समेशन आई इजिकल टू वन टू एन FI बाह्य। अब FI बाह्य लिखिए या सिंपली FI लिखिए, दोनों एक ही बात है। अंडरस्टूड है कि जो FI है वो आई वेगण पर कार्यरत कुल बल ही है, जो बाह्य बल ही है, क्योंकि आंतरिक बल का मान क्या है, शून्य है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ACM इक्वल टू, अब ये पूरा समेशन करोगे F1 प्लस F2 प्लस F3 तो सब मिलकर के कैपिटल F हो जाएगा, तो ये कैपिटल F अपॉन M, तो ये आपके आ गया ACM। तो जिस प्रकार से VCM आया था कैपिटल P अपॉन M, ठीक उसी प्रकार से ACM क्या गया, कैपिटल F अपॉन M। तो यहां से आपका F हो गया MACM। ये इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है जो आपको नोट करना है। तो आपने क्या सीख लिया, ये सारी चीज सीख ली। अब इससे भी एक कॉन्सिक्वेंस निकल रहा है, इन दोनों इक्वेशन से, दोनों सेम ही है, इससे क्या निकल रहा है इसको आप समझिए। जैसे आपको पता है एक फॉर्मूला हम जानते हैं F इजिकल टू होता है आपका एम में, ये दर्शा क्या रहा है, ये दर्शा रहा है कि किसी m द्रव्यमान के कण पर अगर आप बल F लगाते हो तो उसका त्वरण ACM हो जाता है, या कोई A त्वरण से गतिशील कण है तो उसका बल F होता है। तो यहां पर देखो F क्या है, निकाय पर लगने वाला कुल बल, और कुल बल किस पर डिपेंड कर रहा है, ACM पर। तो इससे भी क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे ऐसा निष्कर्ष निकल रहा है कि निकाय का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो एक तरह से उसके द्रव्यमान केंद्र पर ही संकेंद्रित है। तभी तो देखो आप m इंटू ए, एम तो क्या होता है उस कण का द्रव्यमान या निकाय का द्रव्यमान, और ए क्या होता है उस कण या पिंड पर लगने वाला त्वरण। तो यहां पर जो अलग अलग कण है m1 m2 m3 उसका कोई रोल ही नहीं रहा, जो फाइनली पूरे सिस्टम पर बाह्य बल आया है वो एक तरह से क्या आया है कि उसके द्रव्यमान केंद्र पर जो त्वरण लग रहा है वही उस पर बल का मान देगा आपको। तो इस चीज को भी आप यहां से समझ सकते हो, इसको मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से एक बार पूरा लिख दूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनको पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज ना भी समझ में आए तो एक दो बार लेक्चर को सुनोगे तो निश्चित रूप से वो चीजें समझ में आ ही जाएगी, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं इतनी विशेष। तो देखो ये जो इक्वेशन आपकी दोनों, इससे मैं क्या लिख सकता हूं, स्पष्ट है कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर संकेंद्रित हो तथा उस पर आरोपित बल द्रव्यमान केंद्र पर ही लग रहा हो, केंद्र पर ही लग रहा हो। तो ये आपका इसका निष्कर्ष है, आप समझ गए, यानी निकाय का द्रव्यमान केंद्र जो गति कर रहा है उसका जो वेग है उसका त्वरण है वो इस प्रकार से है
कि सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो एक तरह से क्या है, द्रव्यमान केंद्र पर ही संकेंद्रित हो, और जो आपका बल F लग रहा है वो किस प्रकार से लग रहा है कि उस पर आरोपित बल द्रव्यमान केंद्र पर ही लग रहा हो। आप इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, F इज इक्वल टू ma का मतलब ही क्या है कि जो बल लगा रहे हो वो केवल m द्रव्यमान पर ही लग रहा है, या आप ऐसा कह सकते हो कि पूरा द्रव्यमान a त्वरण से गतिशील है। तो ठीक इसी प्रकार से जो n कण तंत्र है उसको अगर आप ये बाह्य बल देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जो सिस्टम है वो केवल a सीम त्वरण से ही चल रहा है। तो ठीक मैंने वही लाइन लिखी है कि आरोपित जो बल है वो द्रव्यमान केंद्र पर ही लग रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। और हमने जो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी द्रव्यमान केंद्र की वो क्या लिखी थी कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर पिंड की गति की व्याख्या करने के लिए उसके संपूर्ण द्रव्यमान को हम केंद्रित मान सकते हैं। तो उस ठीक उसी प्रकार का रिजल्ट आपको यहां देखने को मिल रहा है, इस लाइन से आप आराम से समझ जाओगे। तो ये टॉपिक था हमारा द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखनी है, द्रव्यमान केंद्र का जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है त्वरण का वो याद रखना है, और उसके बाद जो आपने बल निकाला है आयवेगण पर जिसको आपने दो भागों में स्प्लिट किया आंतरिक और बाह्य, तो आंतरिक किस प्रकार से शून्य होता है वो आपको ध्यान रखना है, और लास्ट में ये जो निष्कर्ष आया है कि इस प्रकार से गति कर रहा है निकाय कि उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो उसके द्रव्यमान केंद्र पर ही है, या आप ऐसा कह सकते हो उस पर जो बल है वो बल उसके द्रव्यमान केंद्र पर लगता हुआ ही दिख रहा है आपको, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये था हमारा द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।